अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी यूट्यूब पे कम बैक किया है। आई नो इट्स बीन ईयर्स, कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ मुझे ब्रेक लेना पड़ा। हम फिर से अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करेंगे, बस आप सबकी दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो सब्सक्राइब करिए द रॉयल दस्तरखान एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफाइड वीडियोज़। आज हम बना रहे हैं क्रंची स्प्रिंग रोल। क्रंची स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले हमें मैदे का डो बना के रख लेना है। इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी सजेस्ट करनी है, यू कैन टैग और कमेंट मी ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल @therroyaldastarkhan एंड काइंडली फॉलो इट। मैदे का डो बनाने के लिए यहाँ हमने 2 कप्स ऑफ मैदा लिया है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिफाइंड फ्लोर, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, salt as per taste, 1.5 spoon of oil. For kneading purpose आप 1/2 cup water ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। make sure आप ज़्यादा पानी ना लें जिससे कि आटा गीला हो सकता है। अच्छी तरीके से soft आटा गूंदने के बाद हम इसे 30 minutes rest करने के लिए रख देंगे। So let's start our stuff preparation. यहाँ हमने हक्का नूडल्स लिया है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं या आप मैगी भी ले सकते हैं इसकी जगह। सो हम अब अपने नूडल्स को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, पैन में हमें वाटर डालना है और ऑयल एंड सॉल्ट डालना है। सो यहाँ हम ऑयल इसलिए डालते हैं कि नूडल्स आपस में स्टिक ना होए बॉयल होने के बाद। वाटर को हाई फ्लेम पर बॉयल आने के बाद इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। लेट देम कुक फॉर 4 to 5 minutes। जैसे आप देख सकते हैं नूडल्स कुक हो गए हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, डायरेक्टली स्ट्रेनर में डाल के वाटर ड्रेन कर दें। आप ऊपर से 1 glass कोल्ड वाटर भी डाल सकते हैं जिससे कि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। सो हियर इज़ द कुकिंग टिप, आप किसी भी बॉइलिंग चीज़ पे ठंडा पानी डालेंगे तो उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और वो ओवर कुक नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई ले रहे हैं, 3 to 4 spoons ऑयल ऐड कर दे। सो यहाँ हमने 2 finely sliced अनियंस, 2 tomato, 1 small carrot, 1 cup cabbage, 1 capsicum, 3 to 4 finely chopped ग्रीन चिलीज लिए हैं। यहाँ आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें अनियंस ऐड कर ले और हमें इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है। अब हम इसमें कैरेट और कैप्सिकम ऐड कर देते हैं। वेजीज को 1 से 2 मिनट कुक होने के बाद 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1/2 inch अदरक क्रश कर ले, सॉटे करें जब इसका रॉ टेस्ट ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें मिर्च और टमाटर डाल देते हैं, साथ ही साथ सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने 1/4 teaspoon टर्मरिक डाला है, 1 spoon चिली पाउडर, 1 spoon सोया सॉस, सॉल्ट एज पर टेस्ट। नाउ अब हमने कैबेज जो रखा हुआ था हमें अब उसे भी डाल देना है। कैबेज डजंट टेक मच टाइम टू कुक, कुक इट फॉर 2 to 3 minutes जब तक मसाले के साथ वेजीज भुन जाएंगे। जस्ट कवर इट एंड कुक इट। वेजीज कुक हो चुके हैं, नाउ आई एम एडिंग बॉइल्ड नूडल्स। यू कैन स्किप द स्टेप बट फॉर एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस हियर आई एम एडिंग 1 spoon शेजवान सॉस, 1 pack ऑफ मैगी मसाला एंड चिली सॉस। यू कैन ऑल्सो स्प्रिंकल सम ऑरिगेनो हर्ब्स ओवर इट एंड इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, 2 minutes कुक करें एंड देन वी जस्ट हैव टू डिश आउट। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बट नाउ वी हैव टू मेक शीट्स फॉर द स्प्रिंग रोल। सो आटा गूंदने के 30 minutes हो गए हैं। नाउ डिवाइड इट इन इक्वल 8 to 10 parts।
at a time, roll two parts, grease oil in between and sprinkle some flour and roll together and bake it from both sides evenly. आप देख सकते हैं हमारी शीट्स रेडी है. 2 cups मैदे से आप 8 से 10 शीट्स आराम से बना सकते हैं. नाउ टेक 1 शीट एंड ऐड द नूडल्स. अप्लाई मैदा पेस्ट अराउंड द एजेस टू सील इट. सो जस्ट यू हैव टू मेक अ थिन बैटर. एड 1/2 cup मिल्क, 1/2 cup मैदा, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 spoon शेजवान सॉस, 1/2 spoon ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड यू जस्ट हैव टू डिप इट इन द बैटर एंड कोट इट वेल. हाँ, हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, इसे अच्छी तरीके से क्रश कर दें एंड हमें इसे अच्छी तरीके से रैप करना है और इसे रेफ्रिजरेट करना है फॉर 30 minutes एंड देन आफ्टर रेफ्रिजरेटिंग इसे डायरेक्टली फ्राई करना है गर्मा गर्म ऑयल में. I hope you like the recipe. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Stay safe. Dua mein yaad rakhiye.